फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। बेटा, आज मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगी। एक एडिटर को लेटर कैसे लिखा जाता है, उसका क्या पैटर्न है, कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, वो सारी चीजें आज हम तुम्हें सिखाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वो ध्यान से पढ़ना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस इन द कंट्री एज इज गिवन टू एकेडमिक्स। जितना महत्व हम एकेडमी को देते हैं, पढ़ाई को देते हैं, उतना आज के टाइम में स्पोर्ट्स को और गेम्स को हम नहीं दे रहे हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, इसमें न्यूज़पेपर का नेम यहाँ मेंशन कर रखा है, न्यू दिल्ली, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड ऑन द नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। यू आर सुनीता समीर, 8/35 एमजी रोड, न्यू दिल्ली। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं। हम आपको बता दें, 8। सबसे पहला स्टेप कौन सा है, फॉर्मेट क्या है इसका लिखने का, वो देखिए। सबसे पहले हमारा होता है सेंटर सेटर्स। वो हम कैसे चेक करेंगे, इसमें दिया हुआ यू आर सुनीता या फिर समीर, कोई में से एक नाम हम चूज करेंगे। 8/35 एमजी रोड, न्यू दिल्ली। तो भेजने वाला कौन है यहाँ पर, सुनीता या समीर। तो सेंडर्स एड्रेस, नोट द नेम ऑफ सेंडर। यहां पर हमें एड्रेस ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। क्या है हमारे सेंडर्स एड्रेस, 8/35 एमजी रोड, न्यू दिल्ली। इसमें आपको ध्यान जो रखना है वो है कि ना तो कहीं कोमा लगेगा लास्ट में, ना ही कहीं फुल स्टॉप लगेगा, और इधर से ही जैसे हमारा पेज यू है तो यहीं से हमने स्टार्ट करना है। ये है हमारा फॉर्मेट इसका लेटर का, स्टेप 1 सेंडर सेटर्स। चाहे कोई भी फॉर्मल लेटर हो, सभी का पैटर्न एक ही है, सभी के स्टेप्स एक ही, इसी तरीके से सारे लिखे जाएंगे। और यदि एड्रेस नहीं दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, ABC या XYZ। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। एड्रेस दे रखा है तो वही एड्रेस हमें मेंशन करना है, नहीं दिया हुआ है तो हम एग्जामिनेशन हॉल ABC मेंशन करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड हमारा स्टेप है डेट का। कुछ बच्चे गलती करते हैं, लिखते हैं DATE, ये बिल्कुल रॉन्ग है। DATE वर्ड तो हमने लिखना ही नहीं है। दूसरी बात, इसके बीच में गैप होना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस के बाद में गैप आना चाहिए, यहां पर एक लाइन का स्पेस हो। फिर हमने क्या लिखना है, डेट। डेट किस तरीके से लिखनी है, दो तरीके से। हमें ना ही कोई स्लैश लगाना है, ना ही कोई डैश लगाना है। जैसे कि आज है 2 सितंबर, तो या तो हम लिखेंगे सितंबर 2, 2020, या फिर क्या लिखेंगे, सेकंड सितंबर 2020। ये दो तरीके से हमने डेट मेंशन कर ली है। इस बात को आपने ध्यान से देखना है, तो कोई भी एक तरीका आप चूज कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये दोनों रॉन्ग मेथड है। इसमें कोई मार्क्स तुम्हें नहीं मिलेगा। DATE डेट तुमने लिख दिया तो वहां भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जो है डेट हमने इस तरीके से मेंशन करनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पर। अब देखिए, हमने यहां तुम्हें एक लाइन का गैप बताया था, यहां भी स्पेस बताया था एक लाइन का, बताया है
यहाँ भी स्पेस होना चाहिए। अब थर्ड नंबर आता है रिसीवर्स एड्रेस, उसे रिसीव कौन करेगा? तो देखिए आप यहाँ पढ़िए, राइट ए लेटर टू द एडिटर। अब किसको लिखना है लेटर? एडिटर को। तो देखिए हम लिखेंगे द एडिटर। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है स्पेशल, यहाँ पर चाहे हम किसी को भी लेटर लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, पुलिस चीफ को लिख रहे हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या मैनेजमेंट को लिख रहे हैं, किसी को भी मैनेजर डायरेक्टर जो भी है, जिसको भी हम लिख रहे हैं द जरूर लगेगा और दोनों का फर्स्ट वर्ड कैपिटल आना चाहिए। जैसे द एडिटर, तो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है वो भी हमें दिया हुआ है, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब यहाँ एक बात और आती है, कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर का नेम मेंशन नहीं होता, ऐसे दे देते हैं टू द नेशनल डेली, तो वहां पर बच्चे लिख देते हैं नेशनल डेली, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है। उसमें हमने अपनी तरफ से हम डाल सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स डाल दिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया डाल दिया, तो इस तरह के न्यूज़पेपर का नाम हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने यही मेंशन करना होगा द एडिटर। तो किसका एडिटर है, कौन से न्यूज़पेपर का संपादक है? द हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए प्लेस हमें जरूर मेंशन करना होगा, यहां दिया हुआ है न्यू दिल्ली। तो देखिए बेटा ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सभी के बीच में एक एक लाइन का हो गया गैप, और यहां भी अब हमने गैप डालना है। फोर्थ स्टेप वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे। आप देखिए सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट हमारा एक टाइटल की तरह होना चाहिए, जैसे हम किसी आर्टिकल में कोई टाइटल डालते हैं, शॉर्ट स्टोरी में डालते हैं, ऐसे ही टाइटल होना चाहिए, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग ग्रामेटिकल यूज कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है, हम अपने तरीके से उसके टाइटल को लिख सकते हैं, इसके सब्जेक्ट को लिख सकते हैं, कम शब्दों में कंप्लीट सेंटेंस उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें क्या टाइटल बनेगा, डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर आप चाहें तो इसके हर लेटर को कैपिटल कर सकते हैं, लेटर मीन्स डी ई सी एल, हरेक को, हरेक अक्षर को, नहीं तो हम फर्स्ट वर्ड तो जरूर कैपिटल करेंगे ही करेंगे। आगे समझ में? तो ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप। अब हमारी आती सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स किसी को रेस्पेक्ट देनी, रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, या सर भी लिख सकते हो। कई बच्चे गलती करते हैं, ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये स्लैश का मतलब तो और होता है, तो रेस्पेक्टेड या सर ये बिल्कुल रॉन्ग है, कुछ बच्चे गलती करते हैं, हमने कंप्लीट लिखना है, इसमें भी एक लाइन का गैप होना चाहिए, रेस्पेक्टेड सर, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 5। 1 2 3 4 5 हर एक फॉर्मल लेटर में ऐसे ही आएगा। देखिए बेटा 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आते हैं 6 स्टेप पर। ये 6 स्टेप जो है हमारा यहां तक, ये बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंदर हमने क्या क्या लिखना है। देखिए एडिटर को जब भी हम लिखेंगे कोई भी लेटर, तो ये वो लाइंस हैं जो हर एक एडिटर के लेटर में आप लोग लिख सकते हैं, बस केवल ये टाइटल तुम्हारा चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें है
थ्रू द, अब हमने लिखा था रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद हमने एक लाइन का गैप देना है, उसके बाद ये लाइन यहीं से पैराग्राफ यहां से हाफ से शुरू नहीं करना है, यहां से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। हर एक जो भी हम नए पैरे बनाएंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द डिक्लाइनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन द कंट्री। अगर हमारा किसी दूसरी चीज के लिए लेटर है तो हम क्या करेंगे, यहां तक तो हमारा सेम आएगा हर एक एडिटर के लेटर में, टूवर्ड्स के बाद हम वो जो हमारा टाइटल था वो हम यहाँ पर उठा के रख देंगे और इसका हम पैराग्राफ वन बना देंगे, क्योंकि कम से कम तीन पैराग्राफ तो होने ही होने चाहिए, चार भी आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बहुत। अब जैसे ये जो है ये सभी, ये लाइनें सभी लेटर में आएंगी, बस लास्ट का थोड़ा चेंज होगा, ये वन पैराग्राफ हो गया हमारा। अब सेकंड में आपने क्या करना है, सबसे पहली बात तो हर एक पैरा के बाद वन लाइन का गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, और सेकंड जो पैराग्राफ स्टार्ट करोगे उसको भी हमने यहीं से स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि तुम बीच में चले जाओगे यहां से स्टार्ट करोगे, नहीं, हमने यहीं से स्टार्ट करना है। उसमें आपको क्या लिखना है कि भाई जो हमारा ध्यान जो है स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ नहीं जाता है, उसकी इंपोर्टेंस आज के टाइम में ज्यादातर खत्म होती जा रही है, तो वो चीजें हमने बता रही सेकंड पैराग्राफ में कि उससे क्या नुकसान हो रहा है, किस किस तरीके से हमें लग रहा है कि इसकी इंपोर्टेंस कम हो रही है। दो तीन तीन लाइनों में उसको लिख दोगे आप, तीन सेंटेंस बना दोगे। थर्ड पैराग्राफ भी ऐसे ही बनाना है, एक लाइन का स्पेस और फिर यहां से स्टार्ट करना है। उसमें आपको क्या बताना है, कुछ अपने सुझाव देने हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए, हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, एक तरफ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ऐसे ऐसे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इसके ये लाभ है, ये फायदे हैं, वो आप सजेशन यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में दे सकते हैं, कोई भी लेटर हो। सबसे पहले तो हमने ये लिखना है किस टॉपिक पे हम बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर पे हमने क्या बताना है कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, थर्ड पे उसके लिए सुझाव कि हम ऐसे ऐसे करें तो हमारे लिए बेटर हो सकता है, और फोर्थ जो है ये सभी हमारे लेटर में आ सकता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ये कुछ लाइनें हैं जो आप याद कर सकते हो और उनको हर लेटर में ऐड कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज होगी। दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक चिंता का विषय है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पब्लिश माई ओपिनियन इन योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। बेटा ये आपका सिक्स स्टेप हो गया बॉडी ऑफ द लेटर की, हमने अंदर क्या लिखना है। अब आता है हमारा सेवंथ स्टेप, उसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा होता है सब्सक्रिप्शन, ये जो हमने दिया हुआ है ये हमारे बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश होने के बाद हमने एक लाइन का गैप देना है, फिर हमने लिखना है थैंकिंग यू, और ध्यान रहे थैंकिंग यू में फर्स्ट फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही होना चाहिए, नॉट थैंक यू, ओनली थैंकिंग यू, टी कैपिटल वाई कैपिटल, इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। थैंकिंग यू में टी कैपिटल हो गया और वाई कैपिटल हो गया, उसके बाद फिर हमने एक लाइन का स्पेस देना है, थैंकिंग यू से ऊपर भी एक लाइन का स्पेस और नीचे भी एक लाइन का स्पेस, उसके बाद हमने लिखना है योर्स, ट्रूली लिख सकते हैं, ये मैंने स्लैश लगा रखा है, या फेथफुली लिख सकते हैं या फिर सिंसियरली लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि केवल योर्स का वाई कैपिटल आएगा, ट्रूली फेथफुली या सिंसियरली का जो भी आप एक लिखोगे उनमें से फर्स्ट वर्ड केवल स्मॉल लेटर ही आएगा। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं योर्स, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, केवल सिंपल वर्ड योर्स का वाई कैपिटल और ट्रूली टी स्मॉल लेटर में, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारी सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, उसके बाद देखो थैंक यू के नीचे एक लाइन का गैप दे दिया, अब हम यहां गैप नहीं देंगे, योर्स ट्रूली लिख दिया, उसके बाद जो हमारे लेटर में था यू आर समीर, ये
समीर या सुनीता। तो नेम केवल हमने लास्ट में मेंशन करना है, जैसे कि ये हो गया, नेम लिख दिया और फिर अपने साइन कर दिए। और ये हमारा हो गया, ये 6 स्टेप था, थैंकिंग यू वाला हमारा 7 स्टेप हो गया और ये हमारा हो गया 8 स्टेप। और ऐसे करके हमारे एक लेटर का फॉर्मेट फिनिश हो गया है। बेटा देखो, अब आपके यहाँ सामने कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे आपको, और ये कोई भी जो फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा उसके पॉइंट्स हैं, ये आप अपने हमेशा ध्यान रखना। जितने भी फॉर्मल लेटर राइटिंग होगी उसी में आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला है जैसे हमारा सेंडर्स एड्रेस, ये आपको दिख रहा होगा। सेकंड नंबर पे है डेट, वो मेंशन करनी है, करंट डेट। फिर है थर्ड पे रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ पे है सब्जेक्ट, फिफ्थ पे है सैल्यूटेशन, सिक्स पे है बॉडी ऑफ द लेटर, सेवन पे है सब्सक्रिप्शन और एट पे आपके सिग्नेचर, नेम वगैरह, ये सारी चीजें हमारी मेंशन करनी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।